Now today we are doing question number 4, 5, 6, 7 of exercise 5.1. This is question number 4. If ABC are 3 points on a line such that AB is equal to 5 cm, BC is equal to 3 cm and AC is equal to 8 cm, then which one of the following lies between the two other points? Means agar ए बी सी एक लाइन पे तीन पॉइंट्स हैं और ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है, ए सी 8 सेंटीमीटर है, तो कौन सा पॉइंट बचे हुए दो पॉइंट के बीच में आएगा? सो लेट अस फाइंड आउट. नाउ हियर वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट ऑफ ऑल First of all, draw a line and then mark point A, B, C. That is A, that is B, that is C. It is given that AB is 5 and BC is 3. So A से जो B की distance है वो 5 सेंटीमीटर है और B से जो C की distance है वो 3 सेंटीमीटर है. Now question is asking which point come in the between of other two points. So we can say B is situated between A and C. तो जो B पॉइंट है वो A और C के बीच में आ रहा है. द पॉइंट B इज सिचुएटेड बिटवीन A एंड C. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG. बाय द गिवन फिगर यू विल फाइंड आउट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG और नॉट. कि इसमें जो D है वो AG का मिड पॉइंट है या नहीं है, ये हम इसकी मेजर से पता करेंगे. इसकी मेजर देखेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी और नॉट. नाउ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. अ लाइन इज गिवन एज वी हैव ड्रॉन इन द फिगर. नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी. जो D है वो AG का मिड पॉइंट होगा. तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है इसमें AD फाइंड करेंगे. फ्रॉम A टू D द डिस्टेंस इज 4 माइनस 1, इट इज 3. देन D टू G इट इज 4, इट इज 7. सो 7 माइनस 4 इट इज ऑल्सो 3. सो हेयर यू कैन सी AD इज इक्वल टू DG. तो जो AD है वो DG के इक्वल आ रहा है. सो वी कैन राइट AD इज इक्वल टू DG. सो D इज द मिड पॉइंट. जब दो चीजें आपस में बराबर होती हैं तो उनका कॉमन पॉइंट उनका मिड पॉइंट बन जाता है. सो AD इज इक्वल टू DG. सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG. Now it is proved कि D जो है वो AG का मिड पॉइंट है. Now this is question number 6. If B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD, अगर B AC का midpoint है और C BD का midpoint है, तो ABCD जहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, तो say whether AB is equal to CD. कि AB जो होगा वो CD के इक्वल होगा. सो लेट अस फाइंड आउट. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी फर्स्ट इट इज गिवन बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी. सो B is the midpoint of AC, so we can write
ए बी इज इक्वल टू बी सी, अगर बी मिड पॉइंट होगा ए सी का तो ए बी जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा। इफ सी इज द मिड पॉइंट, इट इज गिवन सी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, अगर बी डी सी जो है बी डी का मिड पॉइंट है तो बी सी इज इक्वल टू होगा सी डी, दैट इज इक्वेशन वन। दैट इज इक्वेशन टू, बाय इक्वेशन वन एंड टू, अगर हम इक्वेशन वन और टू को आपस में मिलाएं तो क्या बनेगा, ए बी बी सी के बराबर है और बी सी जो है वो सी डी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी और बी सी इज इक्वल टू सी डी, सो ऑल दीज थ्री विल बी इक्वल, अगर ए बी बी सी के बराबर है, डी सी सी डी के बराबर है, तो ए बी बी सी और सी डी तीनों ही आपस में इक्वल होंगे, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, यही हमें प्रूव करना था, ए बी इज इक्वल टू सी डी, जो कि प्रूव है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड्स। तो यहाँ पे हमें 5 ट्राइंगल्स बनाने हैं, उसके बाद उनकी मेजर करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि क्या हर केस में सम ऑफ टू साइड जो है वो मोर देन थर्ड साइड आ रहा है या नहीं आ रहा है। If the sum of the length of any two sides is less than the third side, तो हमें ये चेक करना है कि सम दो साइड्स का थर्ड साइड से कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, अगर कम आ रहा है तो यस लिखेंगे, ज़्यादा आ रहा है तो नो लिखेंगे। In this triangle I have drawn, now here I have measured that AB 2.5, AC 5.2 and BC 4.8। सबसे पहले हमें ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पे एक एक करके, उसके बाद हम इसको मेज़र करेंगे। यहाँ पे ये नीड नहीं है कि जो मेरी मेज़र है वही आपकी भी मेज़र आनी चाहिए, बट द मेथड टू डू टू फाइंड आउट द सम ऑफ टू साइड्स दिस शुड बी सेम। तो ये फर्स्ट ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है ए बी सी, और जब इसको मेज़र किया तो यहाँ पे आ रहा है 2.5, 5.2, 4.8 सेंटीमीटर्स। Now here I have written AB equal 2.5 centimeter, BC equal 4.8 centimeter and AC is equal to 5.2 centimeter. Now I have taken the two sides AB plus BC, this is 2.5, 4.8, 7.3 and the third side is 5.2, and when I have compared, now it is, you can see the sum of two sides is greater than the third side. Now after that, case 2 we will do. Now this is case 2. Here I have drawn a triangle PQR. In this, when I measured, PQ is 2 cm, QR 2.5 cm and PR 3.5 cm. Now these measures we will write one by one. First of all, PQ is equal to 2 cm, then QR equal to 2.5, PR is equal to 3.5. Now we will measure, we will add two sides PQ and QR, 2 plus 2.5, then it is 4.5. Now here you can see this, the sum of two sides is now greater than the third side. So again we will write, hence the sum of any two sides of the triangle is greater than the third side. Now the chance of the case 3. Now here you can see this is third triangle I have drawn, name is XYZ. And when I measure this, x y is 5 cm, y z 3 cm and z x 6.8 cm. Now I have written these measurements, and after that we have added x y plus y z. So it is 5 plus 3, 8. Now here you can again see the sum of two sides is greater than the third side. The sum of x y and y z is greater than z x. In the last we will write, hence the sum of two sides is greater than the third side. Now the chance of the fourth triangle. Now this is case 4. In this I have drawn triangle MNS. Here you can see MN 2.7 cm, NS 4 cm
एमएस 4.7 सेंटीमीटर। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ट्राइंगल की मेज़रमेंट जो है वो भी मेरी ट्राइंगल जैसी ही सेम आए। जो भी मेज़रमेंट आपकी आ रही है आप वो उनको लिखेंगे और उसके बाद सम ऑफ टू साइड्स करेंगे एंड देन दी सम ऑफ टू साइड्स शुड बी इक्वल टू द थर्ड शुड बी ग्रेटर देन टू द थर्ड साइड। नाउ हेयर आई हैव रिटन द मेजरमेंट्स एम एन 2.7 सेंटीमीटर एन एस 4 सेंटीमीटर एम एस 4.7 सेंटीमीटर। नाउ एडिट एम एन प्लस एन एस देन इट इज 6.7 सेंटीमीटर। नाउ हेयर यू कैन सी नाउ अगेन द सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो हेयर वी विल ऑल्सो राइट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। Now this is case 5 and in this I have drawn a triangle KLM. So here you can see KL 3.5, LM 3.5, KM 3.5. Now we have added these two sides. First of all we have written these measurements KL 3.5, LM 3.5, KM 3.5. So here KL plus LM is equal to 3.5 centimeter. Now here you can see the sum of two side is greater than the third side again. Hence we conclude that the sum of any two sides of a triangle can never less than the third side. It is always greater than the third side. It is never less than the third side.